नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक 2000 के नोट एक्सचेंज नहीं कराए हैं तो दोस्तों इस फॉर्म के जरिए आप 2000 के नोट जो है एक्सचेंज करा सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म का नाम है रिक्वेस्ट स्लिप फॉर एक्सचेंज ऑफ बैंक नोट इन डीमोनेटेशन ऑफ 2000। तो दोस्तों इस फॉर्म के जरिए आप अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाके। इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा बैंक से। तो दोस्तों इस फॉर्म को कैसे फिल करना है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, यहाँ पे अपनी बैंक की ब्रांच लिखेंगे, कौन सी ब्रांच में आपका बैंक है आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर यदि है आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, ठीक है जी। यदि आपका अकाउंट नंबर नहीं है, यदि आपका उस बैंक में आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं लिखोगे। यदि आपका अकाउंट नंबर है उस बैंक में तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। नेम ऑफ द कस्टमर, देखो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, ठीक है जी। जो आपका नाम अकाउंट में है वही आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे देखो काउंटर पे आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपको ओरिजिनल कॉपी काउंटर पे दिखानी होगी ब्रांच में, और उसकी फोटो कॉपी पे आप जो है सिग्नेचर करके आप ब्रांच में सबमिट कराओगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे या आधार कार्ड दोगे या ड्राइविंग लाइसेंस दोगे या वोटर आईडी कार्ड दोगे, जो भी आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स बैंक में जो सबमिट कराओगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है तो आधार कार्ड नंबर लिख देंगे यहाँ पे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है तो यहाँ पे नोट लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डिटेल ऑफ द बैंक नोट, यहाँ पे जैसे 2000 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द, देखो आपके नोट कितने हैं, नंबर ऑफ द पीस लिखा हुआ है, आपके नोट जैसे 15 हैं तो यहाँ पे 15 लिख दोगे और 15 की आप यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे। जैसे आपके नोट जैसे 5 हैं तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000, यहाँ पे आप 10,000 लिख दोगे। सिग्नेचर ऑफ द, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है उसका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है प्लेस एंड डेट, यहाँ पे फरीदाबाद या जिस स्टेट में है वो यहाँ पर, उसके बाद नीचे आ रहा है प्लेस एंड डेट, प्लेस में लिख देगा जिस स्थान पे वो रहता है, जिस गांव में वो रहता है, जिस शहर में वो रहता है वहां का नाम लिख देगा, और डेट लिख देगा जिस डेट को वो फॉर्म सबमिट करा रहा है। तो दोस्तों इस फॉर्म के जरिए आप 2000 के नोट जो है एक्सचेंज करा सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने 2000 के नोट यदि आपके पास रह भी गया है तो आप ब्रांच में जाके ये फॉर्म लेके और इस तरीके से फॉर्म फिल करके आप जो है अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। थैंक यू सर। यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो आप चैनल को करना ना ना भूलें करना ना ना भूलें करना ना ना भूलें।